मैं आज टर्की डेजर्ट बेस भूसा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 1/3 कप सूजी लिए हैं। इसमें ये 1/2 कप पिसा हुआ शुगर है, आइसिंग शुगर, उसको डाल देंगे। आप घर का पिसा हुआ शुगर ले सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे शुगर और सूजी को एक साथ। इसमें मैं कोकोनट पाउडर है 1/2 कप, इसे मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी मिला लेना है अच्छे से। ये 1/3 कप ऑयल है, आप बटर ले सकते हैं, ऑयल या बटर कुछ लें। इसको भी मिलाएंगे अच्छे से। हम टर्की डेजर्ट बना रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही फेमस है, फेमस डेजर्ट है। अच्छे से मिला लेना है। इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क है। मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। वेनिला एसेंस। डाल के मिक्स कर लेना है। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने एक बर्तन को ग्रीस कर लिया इस तरीके से और इसमें अपना बेस भूसा का ये जो बना के रखी हूँ इसको इसमें डाल दूंगी बेक करने के लिए। और इसको बराबर कर लूंगी। मैं इसमें कट का निशान लगा दूंगी। कट का निशान हो गया है, मैंने चाकू से कट का निशान लगाया। इस पे एक एक आलमंड्स लगाऊंगी।
इस तरीके से मैंने इसमें आलमंड लगा लिया है। इसको मैं बेक करूँगी। मैंने प्री हीट किया हुआ है एक पैन में, इसको रख दिया है। अब मैं इसे कवर कर बेक करूँगी 40 मिनट लो फ्लेम पे। मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं ये हाफ कप शुगर डालूँगी और हाफ कप पानी। इसका मैं शुगर सिरप बना लूँगी। शुगर सिरप में मैं एक स्लाइस लेमन का डाल दूँगी। बेसभूसा बेक हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसका कटपर से काट लूँगी। ये बहुत अच्छा बेक हुआ है। अब मैं इसमें जो शुगर सिरप बना के रखी हूँ इसको पोर करूँगी इस पर। गरम गरम ही बेसभूसा पे सिरप को डालना है। बेसभूसा बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छा बेक हुआ है। मैं इसे सर्व करूँगी। टर्की डेजर्ट बेसभूसा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसको सर्व करके इसके ऊपर सिरप डाला है। ये बहुत ही टेस्टी हुआ है। आप लोग इस तरीके से बेसभूसा टर्की डेजर्ट बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।